खाने पीने और भोज्य सामग्रियों के बारे में हमारे देश भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि अधिकतर प्रोडक्ट में मिलावट और गुणवत्ता की कमी देखी जाती है। और यह लोकल कंपनियों में ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी मिलावट देखने को मिला है। गंभीर चिंता का विषय यह भी है कि भारत के हर त्यौहार के उपलक्ष्य में बनाई गई मिष्ठान और खाद्य सामग्रियों में 98% तक मिलावट देखी जाती है। ऐसी स्थिति में हर नागरिक को जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत में व्यापार और उद्योग करने वाले को जनता के जीवन से कोई मतलब नहीं, उनको केवल अपने लाभ से मतलब है। भारत सरकार की सभी जांच एजेंसियां और जनहित विभाग बिना दांत वाले शेर के समान है, इसलिए जनता को स्वयं जागरूक और जानकारी करने की जरूरत है, जिससे अपने जीवन की रक्षा वे स्वयं कर सकें। सफेद जहर के बारे में जो बताया गया है, उसका सफेद चीनी से मतलब है। सफ़ेद चीनी को बनाने के लिए बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद चीनी का मतलब है पॉलीसेकेराइड, जो विशेष प्रक्रिया से बनता है। हमारा शरीर डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड को आसानी से पचा सकता है, जबकि सफ़ेद चीनी जो पॉलीसेकेराइड होता है हमारा शरीर से मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करती है। इसके लिए जब लीवर चीनी को पचाने का कार्य करता है तो पचाने के लिए काफ़ी ऊर्जा और कैल्शियम की जरूरत होती है। यदि लंबे समय तक सफ़ेद चीनी का उपयोग किया जाए तो चीनी को पचाने के लिए हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम ज़्यादा खर्च होगी, जिससे हड्डियों से संबंधित बीमारी होने लगेगी, जैसे गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस आदि रोग होने लगेंगे। अर्थात शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया रोग जैसी समस्या उत्पन्न होने लगेगी। चीनी को बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले गन्ने के रस को हॉट सल्फोनेशन अर्थात गर्म सल्फर डाइऑक्साइड से गुजारा जाता है। इसके बाद रस के गाढ़े भाग में डी स्मेट नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। डी स्मेट प्रक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। फॉर्मेल्डिहाइड वह रसायन है जिसमें मरे हुए जानवरों एवं प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। अस्पतालों में लाशों को सुरक्षित रखने के लिए इसी रासायनिक घोल का उपयोग किया जाता है। शरीर में 40 ppm फॉर्मेल्डिहाइड लेने पर यह उत्तकों और कोशिकाओं को सख्त बना देती है। गन्ने के रस को तीसरे प्रक्रिया में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का उपयोग करके इसे दानेदार बनाया जाता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक जहरीला रसायन होता है जो शरीर में किसी प्रकार के सूजन के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए भी चीनी को सफ़ेद जहर कहा जा सकता है। चीनी बनाने की अंतिम प्रक्रिया में पॉलीमर का उपयोग करके चीनी को सफ़ेद और चमकदार बनाया जाता है। पॉलीमर कपड़े के धागे को मजबूत और चमकदार बनाने के काम आता है। इस प्रकार गन्ने का रस मोनोसेकेराइड रासायनिक प्रक्रिया से गुजारने के बाद पॉलीसेकेराइड में बदल जाता है। जब चीनी ली जाती है तो शरीर का विटामिन बी नष्ट होने लगता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बीमारी हो सकती है। इसके कारण पेनक्रियास का कार्य धीमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डायबिटीज, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना और धीरे धीरे किडनी का कार्य करना बंद हो जाना। इस प्रकार 50 ग्राम चीनी रोज खाते हैं तो पेनक्रियाज की उम्र 30% कम हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार यदि साल भर चीनी खा रहे हैं तो मात्र 2 माह चीनी खाना छोड़ दें तो आपके शरीर में गुणात्मक सुधार हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर में इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, पेट से संबंधित बीमारियां कम हो रही हैं और छोटी मोटी परेशानियां जैसे कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, ये सब दूर हो जाएगा।